गुड आफ्टरनून टुडे वी विल स्टडी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ फैक्टर्स एंड दैट इज स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जैसे कि नाम है इसका ट्रिपल इसका मतलब यह है कि यहाँ पे टोटल मिला के तीन फैक्टर्स आएंगे एंड वी विल बी डीलिंग विद थ्री तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है स्केलर का मतलब आप ये भी जानते हैं कि इट इज द डॉट प्रोडक्ट जैसे ए डॉट भी आपने पढ़ा था कि ए डॉट भी कैसे निकाला जाता है वैसे ही स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की बात करें तो तीन फैक्टर्स के बीच में रिलेशन होता है किस तरह से सबसे पहले हम तीन फैक्टर्स को चूज कर लेते हैं वॉट आर द थ्री फैक्टर्स ए वन ए वैक्टर ले लेते हैं वॉट इज ए वैक्टर डेट इज इक्वल टू ए वन आई कैप प्लस ए टू जे कैप प्लस ए थ्री के कैप दूसरा वैक्टर जो है वो हम ले लेते हैं बी वैक्टर डेट इज इक्वल टू बी वन आई कैप प्लस बी टू जे कैप प्लस बी थ्री के कैप ये दूसरा वैक्टर हो गया तीसरा वैक्टर हो गया हमारा सी वैक्टर और वो हो जाएगा सी वन आई कैप प्लस सी टू जे कैप प्लस सी थ्री के कैप तो यहां पे आप देख सकते हैं तीन वेक्टर्स हमने ले लिए ए बी सी इन तीनों वेक्टर्स की मदद से हम यह बताएंगे कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कैसे फाइंड किया जाता है तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट या फिर इसका शॉर्ट नेम की अगर बात करें तो शॉर्ट नेम होता है इसका -पी, और उसको लिखा किस तरह से जाता है एस टी पी डैट इज इक्वल टू ए ए एक एक्टर डॉट बी वैक्टर क्रॉस सी वैक्टर या आपका एस टी पी होता है ए डॉट बी क्रॉस सी और इसको इस तरह से भी लिखा जाता है बॉक्स के अंदर ए बी सी या फिर आप इसको बोल सकते हैं बॉक्स प्रोडक्ट तो एस टी पी इज इक्वल टू ए डॉट बी क्रॉस सी एंड इज इक्वल टू बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी अब बात किया आती है कि एस टी पी सर कैलकुलेट कैसे करें तो एस टीपी निकालने का बहुत ही सिंपल तरीका होता है एस टीपी निकालने का तरीका क्या होता है मैं यहां पे लिख देता हूँ कि अगर मुझे ए डॉट बी क्रॉस सी चाहिए तो ए डॉट बी क्रॉस सी क्या होगा डिटर्मिनेंट किसका डिटर्मिनेंट तीनों वैक्टर्स का डिटर्मिनेंट कैसे कैलकुलेट किया जाएगा यहां पे आ जाएगा ए वन यहां पे आ जाएगा ए टू यहां पर आ जाएगा ए थ्री दिस विल बी बी वन बी टू बी थ्री दिस विल बी सी वन सी टू सी थ्री सर ये क्या चीज है ये है तीनों वेक्टर्स के कंपोनेंट ए वेक्टर हमारा क्या था ए वन आई कैप प्लस ए टू जे के जाएंगे आई वाला कंपोनेंट जे वाला कंपोनेंट के वाला कंपोनेंट सिमिलरली बी वेक्टर्स के तीनों कंपोनेंट सिमिलरली सी वैक्टर के तीनों कंपोनेंट्स अब डिटर्मिनेट की वैल्यू बात करें तो डिटर्मेंट की वैल्यू आप लोग सब जानते हैं कि डिटर्मेंट की वैल्यू को कैसे कैलकुलेट किया जाता है हम इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी करेंगे किस तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की बात करें तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में टोटल मिला के क्या होता है अब इसका जोमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन देखते

वो बोला जाता है को टर्मिनस वैक्टर या फिर इन एजिस को बोला जाता है को टर्मिनस एजिस तो सबसे पहले अगर मैं बात करना चाहूं तो इस एस टीपी क्या होता है ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या होता है तो मैं लिख देता हूं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट विल गिव विल गिव वॉल्यूम क्या देगा वॉल्यूम ऑफ किसका वॉल्यूम देगा पैरलो पाइप का वॉल्यूम देगा पैरालो पाइप का वॉल्यूम देगा और वो वॉल्यूम किसके बराबर होगा सबसे पहले तो ये देखिए ए डॉट बी क्रॉस सी की बात करूं तो ए डॉट बी क्रॉस सी क्या है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है इसका मतलब इट विल गिव यू अ वैल्यू वो आपको एक वैल्यू देगा तो यहां से जो भी वैल्यू निकलेगी वो मैंने यहां पे लिख दिया है कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट विल गिव वॉल्यूम ऑफ पैरलोपिपिड इसका वॉल्यूम देगी तो यहां से जो भी वैल्यू निकलेगी वो वॉल्यूम हो जाएगा पैलो पाइप का ठीक है निकालने का तरीका ये रहा क्रॉस अब ये आया कैसे वो मैं आपको बता देता वॉल्यूम के बराबर क्यों होता है अगर मैं बात करूं वॉल्यूम की तो वॉल्यूम किसके बराबर होता है वॉल्यूम होता है एरिया ऑफ बेस वॉल्यूम किसके बराबर होता है एरिया ऑफ बेस इन हाइट के बराबर एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट के बराबर अब यहां पे देख सकते हैं इस डायग्राम में आप देख सकते हैं बेस क्या है बेस की अगर मैं बात करूं तो बे, बेस ये वाला है तो बेस पे एक वेक्टर तो बी वेक्टर है एक वेक्टर कितना है सी वेक्टर है तो एक तरह से पैरलोग्राम की तरह है और पैरलोग्राम का वॉल्यूम आपको नि, एरिया निकालना आता है वॉट इज द एरिया ऑफ पेलोग्राम दैट इज बी क्रॉस सी का मैग्नीट्यूड तो एरिया ऑफ बेस की अगर मैं बात करूँ तो एरिया ऑफ बेस में यहाँ पे लिख देता हूँ एरिया ऑफ बेस हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्रॉस सी b क्रॉस c का मैग्नीट्यूड तो ये एरिया ऑफ बेस हो गया यहां पे इसकी वैल्यू सब्सिट्यूट कर देते हैं क्या हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ b क्रॉस c अच्छा मैंने आपको दिखा रखा है कि b क्रॉस c वेक्टर कैसा होगा आप देख सकते हैं कि b क्रॉस c वेक्टर यहां पे होगा क्योंकि यहां पे अगर आप देख सकते हैं ये b वेक्टर है ये c वेक्टर है b क्रॉस c करेंगे दिस इज योर b क्रॉस c तो b क्रॉस c ये हो गया अब ये देखिए b क्रॉस c वेक्टर और a वेक्टर दोनों वेक्टर्स के बीच की बात करूं तो दोनों वेक्टर्स बीच के बीच का एंगल कितना है फाइव दोनों वेक्टर्स बीच के बीच का एंगल कितना है फाइव इस वैक्टर की लंबाई की बात करें तो ये कितना हो जाएगा ए वैक्टर की बात करें तो यहां पर आप एक चीज देख सकते हैं बेस एरिया ऑफ बेस तो आपने लिख दिया मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्रॉस सी और आपको हाइट चाहिए तो ये आपकी हाइट हो जाएगी तो हाइट किसके बराबर होगी हाइट जो हो जाएगी वो आपको हो जाएगी मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मे कॉस फाइव ए कम्पोनेंट एक कम्पोनेंट विद मैग्नीट्यूड तो ए का कंपोनेंट विद मैग्नीट्यूड हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए इस फाइव ये आपकी हाइट हो जाएगी और आप सभी जानते हैं कि अगर मैं यहाँ पे बात करूं मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्रॉस सी और ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए एक तरह से क्या होता है ए डॉट बी क्या होता है वॉट इज ए डॉट बी ए डॉट बी होता है मैग्नीट ऑफ ए मैं लिख देता हूं यहां पे वट इज ए डॉट बी इट इज मैग्नीट ऑफ ए इंटू मैग्नीट ऑफ बी में क्या एंगल बिटवीन थीटा तो सेम चीज यहां लिखी हुई है एक फैक्टर ये रहा दूसरा वेक्टर ये रहा दोनों के बीच का इंक्लूडेड एंगल तो क्या हो जाएगा ये आपका ए का काम कर रहा है मान लीजिए ये पूरा आपका बी का काम कर रहा है तो मैं इसको किस तरह से लिख दूंगा आई विल राइट इट लाइक दिस ए डॉट बी क्रॉस सी, तो ये चीज प्रूफ हो गई कि वॉल्यूम ऑफ पेलो बेबिट क्या होता है स्केलर ट्रिपल ट्रिबल प्रोडक्ट के बराबर होता है तो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ओके नाउ वी विल डू अ क्वेश्चन ऑन स्केलर ट्रिपल ट्रिबल प्रोडक्ट